सो हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो इट डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, यानी कि एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। जैसा हम लाइक रिग्रेशन के अंदर पढ़ते हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स। तो पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मींस एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर नंबर में लिखा जा सके तो वो एक वेरिएबल है। जैसे कि मार्क्स, मार्क्स को हम नंबर में लिख सकते हैं, 8 मार्क्स आए, किसी के 10 मार्क्स आए, किसी के 5 मार्क्स आए, तो मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल है। सिमिलरली प्रॉफिट, सेल्स, परचेज, हाइट, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें जिसको हम नंबर में लिख सकते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। तो जैसा हम रिग्रेशन के अंदर भी करते हैं, देर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और वहां दो तरह की इक्वेशन बनती है, एक एक्स ऑन वाई और दूसरी वाई ऑन एक्स। तो जहां पर एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर भी दो सिचुएशंस बनेगी, दो वेरिएबल्स आएंगे। वन वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो पहले देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रैक्टिकल यूज कहां पर होता है, कहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बलून है, और एक बलून के साइड में क्या रखी, पिन रखी है। तो अगर हम इस पिन को, अगर हम क्या करते हैं, इस पिन को थोड़ा सा टच कर देते हैं, बलून के बिल्कुल पास ले जाते हैं और उसको टच कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, बलून में छोटा सा होल हो जाएगा, और उस होल होने के बाद में बलून में से क्या निकलेगी, एयर निकलेगी। बलून में से एयर निकल रही है। अब जो एयर निकलने की स्पीड है, वो हम कह रहे हैं कि एयर धीरे 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 पर सेकेंड जो है उसमें से कुछ एयर निकल रही है। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि एयर कम हो रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी एयर लगातार कम हो रही है तो उसके वॉल्यूम में पर सेकेंड कितना चेंज आएगा, बलून के वॉल्यूम में पर सेकेंड कितना चेंज आएगा, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम यूज करते हैं किसको, डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो जैसे ही हमने पिन इंसर्ट की, एयर निकल रही है उसकी, तो किस रेट से एयर निकल रही है, तो जो एयर निकल रही है दैट मींस वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम जो कम हो रहा है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर स्टोन फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। अगर हम पानी में पत्थर फेंकते तो हमने अक्सर देखा होगा वेव्स निकलती है। जो वेव्स होती है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है छोटा, तो हमने देखा होगा धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। तो जैसे ही वो पत्थर अंदर गया तो वेव की जो साइज है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। तो हमें चेक करना है कि उसका पर सेकेंड कितना एरिया इंक्रीज होगा, उसका पर सेकेंड कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो यहां पर भी जो एरिया है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं लास्ट, ये है लेडर। लेडर अभी पड़ी है वॉल के सहारे और इसका एक थोड़ा सा स्लोप है। अब हमने इसको क्या किया, लेडर को थोड़ा सा ड्रैग किया नीचे से, और हमने उसको ड्रैग किया एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लैडर को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो क्या होगा, उस लैडर की हाइट धीरे 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 कम हो जाएगी। तो लैडर की हाइट पर सेकेंड कितना रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम अगेन यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये तो हुई बात एप्लीकेशन की, कि किस तरह से डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं या कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। अब हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइंट इलास्टिसिटी, ये मेथड कब काम में आता है, ये मेथड तब काम में आता है जब चेंज नेग्लिजिबल होता है, किसमें, प्राइस में, क्वांटिटी में चेंज नेग्लिजिबल हो, तब हम कहते हैं वी हैव टू यूज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार की प्राइस हम बात करते हैं, कार की प्राइस है 5 लाख,
एंड अब ये इंक्रीज होकर के हो चुकी है 5,100, 5,100 यानी कि इस कार की प्राइस 100 रुपीज से बढ़ चुकी है। तो 100 अपने आप में देखिए तो एक बड़ा फिगर है, लेकिन जब हम उसको 5 लाख के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि कार की प्राइस 100 रुपीज से इंक्रीज हुई है, देन इट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट है। तो 100 रुपीज का चेंज होने से कार की डिमांड में कितना अफेक्ट आएगा, अगर हमें ये मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो वहां पर भी आपने डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा, तो वही फॉर्मूला आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के अंदर भी ये काम में आता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नॉर्मल पार्ट पे, कि जैसे एक इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहां पर जो हमने y लिखा है, this y is a dependent variable, ये dependent है, and जो x लिखा है इसे हम क्या बोलेंगे, independent variable, x is independent variable। अगर हम x की value put करते हैं, हमने put किया if x is equal to 1, x हमने put किया 1 equation में, तो x पुट करने से y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस 2 हमें वैल्यू मिलेगी 3। अगर x में हमने 2 रखा तो फिर y की कितनी वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2, या हम कहते 2 प्लस 2 दैट इज 4। अगर हमने x को 3 रखा तो y कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब x में हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी एप्लीकेशन की, कि किस तरह से डिफरेंशियल इंटीग्रल अप्लाई होता है। अब हम इसको समझते हैं इसका नोटेशन क्या है, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो जिसको लिखने का तरीका होता है वो है डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। तो जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है वाई, तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखता है डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, या हम कह दें y को हमें फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, या हम ऐसा कह दें x की वैल्यू हमें पता है तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दिस इज सिंपली डी वाई बाय डी एक्स। तो हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब सीधा चलते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है x की पावर n का। हमने y की प्लेस पे क्या रखा है, x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला हम क्या लर्न करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय x to the power n minus 1। That means, जो x की पावर में n है, वो जंप करके कहां आ जाएगा, x के आगे आ जाएगा, और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, x और x की पावर में है n, तो ये n जो है ये कहां आ गया, x के आगे आ गया, और जो पावर है हमारी वो पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज n माइनस 1। तो अगर x की पावर n को हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा n मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n माइनस 1। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमने लिखा d by dx एंड x की पावर में है 5। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 5 जंप करके आगे आ जाएगा और x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, तो x की पावर 5 माइनस 1 कितना आएगा, 5 x टू द पावर 4।
फाइव एक्स टू द पावर फोर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, राइट। चलिए इस तरह की कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, एक्स की पावर 10 का डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो 10 जंप करके आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में बचेगा 10 माइनस 1, दैट इज 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। सिमिलरली अगर हम कहते हैं डी बाय डी एक्स हमें फाइंड करना है एक्स की पावर 50 का, तो ये कैसे होगा, 50 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 50 माइनस 1, सो 50 इंटू एक्स टू द पावर 49, राइट। सो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। यहां तक आप लोग पहले एक बार नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। नो डाउट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। इस बार देखें एक्स की पावर में 3/2 है, फ्रैक्शन लिखा है, तो तरीका वही है, क्या हो जाएगा 3/2 जंप करके आगे आ जाएगा, तो 3/2 एंड देन एक्स की पावर में क्या होगा 3/2 माइनस 1, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 3/2 एंड एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 कितना होता है हाफ, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 3/2 एक्स की पावर हाफ। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना है d by dx of x to the power 5/3, तो हम क्या लिखेंगे 5/3 जंप करके आगे आ जाएगा x की पावर 5/3 माइनस 1, तो क्या होगा 5/3 एंड देन x की पावर में 5/3 माइनस 1, तो कितना होगा 2/3, तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल। अगर d by dx हमें फाइंड आउट करना है x टू द पावर माइनस 4 का, इस बार पावर में क्या है नेगेटिव साइन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अगेन सेम तरीका माइनस 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर माइनस 4 माइनस 1, सो माइनस 4 एंड x टू द पावर माइनस 5। यहां पर कॉमन मिस्टेक होती है, कई स्टूडेंट्स माइनस 4 को सॉल्व करके माइनस 3 लिख देते हैं, तो हमें माइनस 3 नहीं लिखना है बिकॉज माइनस 4 उसके आगे आ रहा है माइनस 1, तो पावर कितनी बन जाएगी माइनस 5। नेक्स्ट इज d by dx ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 3, d by dx of 1 by x की पावर 3,
अब यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि d by dx x की पावर 3 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 3। अगर हमने इस पैटर्न में लिखा अब हमारा काम आसान हो जाएगा, तो माइनस 3 एंड x की पावर में माइनस 3 एंड माइनस 1, तो फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस 3 एंड x टू द पावर माइनस 4। ओके, तो ये है हमारा अभी फर्स्ट फॉर्मूला, और फर्स्ट फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये सारे क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट किया है, सॉल्व किया है। तो आई थिंक यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अगर कोई डाउट है किसी को तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ सी एंड देन फंक्शन, यानी कि सी का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद में फंक्शन लगा है लाइक एक्स लगा है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सी हम पहले आगे ले लेंगे एंड देन डी बाय डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन, डी बाय डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। दिखने में हो सकता है ये हमें कॉम्प्लेक्स लगे कि हमने क्या लिखा, ये कि हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ सी दैट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन। तो सी को हम अलग रख लेंगे एंड देन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल लें, डी बाय डी एक्स ऑफ 5x2, तो यहां पर 5 क्या है हमारा, सी कॉन्स्टेंट, तो इसको हम पहले बार रख लेंगे 5, एंड फिर हम क्या करेंगे d by dx of x square कैलकुलेट करेंगे। So x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 जंप करके आगे आ जाएगा और वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2 माइनस 1, x की पावर में 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 10, x टू द पावर 1 इज x, तो इट इज सिंपली 10x। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ गया 10x। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, d by dx of 25x to the power 4, तो पहले क्या करेंगे 25 आगे आ जाएगा, then d by dx, then x to the power 4, तो पहले हम 25 रखेंगे as it is, then 4 जंप करके आगे आ जाएगा, 25 multiply by 4 and then x to the power 4 minus 1, तो final result आएगा 100 x to the power 3, okay? Next एक और example हम देते हैं, d by dx, then 20x to the power, और power में इस बार हम रखते हैं 5/2, 5/2 हमने रखा, तो क्या करेंगे पहले 20, then multiply by, किससे multiply होगा 5/2, and then x की power reduce जाएगी by 1, तो 5/2 minus 1, so final result हम क्या लिखेंगे, 20 into 5 is 100, 100 upon 2 is 50, multiply by x की पावर, x की पावर में कितना रह जाएगा 3/2, okay? तो ये हो गया हमारा application of second formula, यहां तक एक बार नोट कर ले।
ओके नोटेड, आगे बढ़े। सो अभी तक ये टॉपिक कुछ टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? इजी है सर। इजी है? यस सर, इजी लग रहा है। ओके सर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ, दैट इज डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए टू द पावर एक्स देन लॉग ए एंड देन टू द बेस ई। तो हमने क्या लिखा है, डी बाय डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ए मतलब कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर में इस बार क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। पहले हमने उल्टा किया था, एक्स की पावर था एन, एन मींस एनी नंबर, एंड एक्स था हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट हमने पहले किया था, और अभी है हमारा कांस्टेंट टू द पावर ऑफ वेरिएबल। तो जब कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो उसमें लॉगरिथम का यूज होगा। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अब क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आएगी इन बिटवीन वो हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे, बाकी डिटेल में वो आएगा लॉगरिथम चैप्टर में। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं कि अगर कहीं पर भी आता है लॉगरिथम ई टू द बेस ई, जब दोनों सेम है, लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी है एंड उसके बेस में लिखा है, तो जब ये दोनों सेम होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, वन। अगर ऐसा लिखा है log x to the base x, then it is written as 1. तो उसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है? तो a की पावर x का अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा? a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log of a to the base e. For example, d by dx हमें फाइंड करना है किसका? 5 की पावर x का। ओके, तो 5 की पावर x के लिए हम लिखेंगे as it is 5 की पावर x, then log of 5 to the base e. By default, differentiation में logarithm का जो base है वो हमें क्या लिखना है, e लिखना है, right? अगर हमें d by dx find करना है of 9 to the power x का, तो हम लिखेंगे 9 to the power x, then log 9 to the base e. सिमिलरली कोई भी वैल्यू अगर है लाइक 100 टू द पावर एक्स है, तो हम अगेन क्या करेंगे, 100 टू द पावर एक्स देन लॉग ऑफ 100 टू द बेस ई, ये हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अगर e की पावर में x है, e का मतलब क्या होता है, e आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपको याद भी होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर, ये आप लोगों ने किया होगा। e होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स है 2.7183, जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.1457, उसी तरह से e की वैल्यू भी फिक्स होती है, that is 2.7183. तो e की पावर x का अगर हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर x then multiply by logarithm and then e to the base e, e की पावर x log e to the base e. इस बार log e क्यों आया, because e की पावर में x गिवन है, तो जिसकी पावर में x है वो हमें log के आगे लिखना होता है, तो log e हमने लिखा, एंड बाय डिफॉल्ट बेस तो क्या रहेगा, e रहेगा। जब log की वैल्यू एंड e की एंड बेस की वैल्यू अगर दोनों सेम है, जब दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 1। तो हम लिखेंगे e की पावर x into 1 which is e to the power of x. तो ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा कहता है d by
dx of 4 e to the power x. तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम 4 बाहर रख देंगे, उसके बाद d by dx हम कैलकुलेट करेंगे for e to the power of x, और इसका अगेन सॉल्यूशन क्या आएगा, e की पावर x log of e to the base e, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4 into e to the power of x. ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसको नोट डाउन कर ले. आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, यहां तक कोई डाउट? नो नो सर. नो सर. सर इसमें ना a की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? a की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? हो सकती है. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम आते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है d बाय dx of log x to the base a. इस बार log of x का हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है. बेस क्या है हमारा, a. a मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है. तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन x log of a to the base e. 1 अपॉन x log of a to the base e. जैसे अगर हमें फाइंड करना है d by dx of log of x to the base 5, तो क्या लिखेंगे, 1 upon x and then log of 5 to the base e. 1 upon x log of 5 to the base e. Similarly, d by dx फाइंड करना है log of x to the base 8, तो क्या करेंगे, 1 upon x log of 8 to the base e. Similarly, d by dx log of x base 20, तो 1 upon x log of 20 to the base e. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें इस तरह से दे रखा है d by dx then log of x to the base e, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 1 upon x log of e to the base e. तो log e and base e जब ऐसी वैल्यू आती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1. तो हमारे पास बचेगा सिंपली 1 upon x. तो अगर सिंपली कहीं आपको लिखा दिखता है d by dx of log x, दूसरा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 upon x. ये हम याद रख सकते हैं, d by dx of log of x is equal to 1 upon x.
अब नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे जाकर कई कई सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगी. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट हमें याद रखना है, बहुत फ्रीक्वेंटली काम आने वाला है. तो एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स की पावर में क्या लिखा, लिखा तो कुछ भी नहीं है. जब कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन. तो अगर एक्स की पावर वन है, वन आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर वन से रिड्यूस जाएगी, तो कितना बनेगा, वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो. और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो कितना रिजल्ट होता है, इट इज वन. किसी की भी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन. ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे थे d by dx of x, तो x का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होगा, वन. तो फर्स्ट थिंग ये हमें याद रखनी है, x का डिफरेंशिएशन वन. नेक्स्ट नेक्स्ट इज d by dx ऑफ रूट एक्स. रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर ऑफ हाफ, एक्स की पावर राइट. तो वन बाय टू आगे आ जाएगा, तो वन बाय टू आगे आ गया, एक्स की पावर में हाफ माइनस वन. हाफ माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर माइनस हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू एंड देन रूट ऑफ एक्स. वन अपॉन टू एंड देन रूट ऑफ एक्स, ये किसका रिजल्ट हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स. तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स. तो ये कंक्लूजन हमें याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है. तो एक तो हमने x का याद रखा कितना, वन, रूट एक्स का हमने याद रखा वन बाय टू रूट ऑफ एक्स, और एक और हमें याद रखना है, वो है d बाय डी एक्स ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स. वन बाय एक्स को हम कैसे लिखेंगे, x की पावर में माइनस वन. एक्स की पावर माइनस वन है तो माइनस वन आगे आ जाएगा, x की पावर में माइनस वन एंड माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स पावर ऑफ माइनस टू. इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं उसको वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आगे नेगेटिव साइन, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. ये किसका कंक्लूजन हो गया, d बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स. तो ये सारे फॉर्मूलेज हम याद रख सकते हैं. तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले किए उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, पहले एक बार इसको नोट कर लें, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो यहां तो एक बार नोट कर लें, फिर हम एक बार सारा कुछ रिकॉल कर लेते हैं. चलिए अब हम करते हैं एक बार रिकॉल पूरा. तो सबसे पहले हमने आज पढ़ा डेफिनेशन को, डेफिनेशन हमने पढ़ा, डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विद द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर, एक क्वांटिटी में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू अदर, दैट मींस देयर आर टू वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। फिर हमने एग्जांपल लिया था पहले एप्लीकेशन, कहां कहां पर अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन, तो हमने बलून का एग्जांपल लिया था कि अगर हमने बलून में नीडल को पिंच किया तो बलून का वॉल्यूम धीरे 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 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उस केस में हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है। हमने स्टोन थ्रो किया है पानी के अंदर, वेव्स का साइज बढ़ रहा है तो पर सेकेंड कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन वहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। लैडर को अगर हमने ड्रैग किया है तो उसकी हाइट पर सेकंड कितनी रिड्यूस हो रही है, तो वहां पर भी हम इसे यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने इसको पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के अंदर कि अगर चेंज नेग्लिजिबल होता है, माइन्यूट चेंज होता है, तो वहां पर भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम आए सीधा फॉर्मुलेज के ऊपर, तो फॉर्मुलेज में हम लिखते हैं इसको डी वाई बाय डी एक्स। dy by dx को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमें y को डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फॉर्मूला जो हमने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n, x की पावर n, तो n जंप करके आगे आ जाएगा, x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, तो n into x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। फिर आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज डी बाय डीएक्स ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे एंड फिर हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, फंक्शन का। थर्ड हमने किया था ए टू द पावर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन, तो ए की पावर एक्स पहले एज इट इज आ जाएगा एंड देन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, log of a to the base e। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमने किया log of x to the base a, log x to the base a, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x log of a to the base e। अगर सिंपली log of x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 upon x। फिर हमने देखा अगर x लिखा है, x का डिफरेंशिएशन है तो उसका रिजल्ट होगा 1, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स एंड 1 बाय एक्स का हमें निकालना है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। एक और चीज हमारे सामने आई कि अगर हमें डी बाय डी एक्स फाइंड करना है ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है, सेम होता है, दैट इज अगेन ई टू द पावर ऑफ एक्स। जैसे a की पावर x है वैसे ही e टू द पावर x है, क्योंकि log e टू द बेस e क्या बन जाता है, 1, तो इसलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, e की पावर ऑफ x। तो ये सारे बेसिक चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन of sum or difference of a function। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, जैसे y is equal to हमें गिवन है u plus minus v प्लस माइनस डब्ल्यू, ये गिवन है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है वो थ्री पार्ट्स में गिवन है, यू वी एंड डब्ल्यू, एंड उनके आगे कुछ भी साइन हो सकता है, प्लस या माइनस। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम सबको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इधर हमने वाई है तो वाई को हम कैसे डिनोट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। वाई का मतलब ये पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, यू का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस माइनस जो भी साइन लगा है वो साइन का हम यूज करेंगे, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, डी वी बाय डी एक्स, सिमिलरली डी डब्ल्यू बाय डी एक्स।
इन शॉर्ट अगर हमें थ्री पार्ट्स में दे रखा है तो हर पार्ट का इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे और जो भी साइन है वो साइन एज इट इज रख देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, दैट मींस dy बाय dx कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे पहले dy dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 5x प्लस dy dx ऑफ 10। अब 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर 2 तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 एक्स की पावर में 2 माइनस 1 प्लस 5x, तो 5x में 5 सेम रहेगा, एक्स की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी एंड डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अब यहां देखिए ओनली नंबर 10 लगा है, 10 के आगे कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं लिखा है, तो अगर x नहीं लिखा है सिर्फ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, चाहे इस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, कुछ भी वैल्यू है कांस्टेंट की, अगर उसके पास में वेरिएबल नहीं है दैट मींस उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो 10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 6x plus 5, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। दैट मींस इस बार हमें जो डिफरेंशिएशन किया थ्री पार्ट्स में वैल्यूज गिवन थ्री, फर्स्ट था 3x square, फिर 5x एंड देन 10, तो हमने सबका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन किया एंड देन लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लें पहले। So, प्रथम ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका रेलेवेंस आगे जाकर के आएगा, तो वहां पर हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो यहां तक कोई भी डाउट किसी को, जो भी आज हमने पढ़ा है उसमें किसी भी फॉर्मूले में या जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। सो आज ये हमारा सारा बिल्कुल बेसिक पार्ट था, तो आज के दिन क्या करना है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूले आज दिन में दो बार रिवाइज करने हैं, एक अभी थोड़ी देर के बाद में और दूसरा रात को सोने से पहले। सोने से पहले जब हम फॉर्मूला याद करते हैं तो वो हमारे कई बार होता है सपने के अंदर भी आता है, और जब एक बार वहां आ गया दैट मींस आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूलेज याद रखना, क्योंकि जो हम हमारे आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वहां सब जगह यही फॉर्मूलेज बार बार रिपीट होंगे, यही चीजें काम आने वाली है, तो इसलिए ये सारे फॉर्मूलेज बाय हार्ट हमें लर्न होने चाहिए।